एक्चुअली हॉच पॉच नहीं चल रहा है हमारे, जो मेरे जो ससुर जी हैं उन्होंने ऐसी प्लान बनाया है कि आज हम सब पूरा परिवार मिलके बैठ के एक गेट टुगेदर करेंगे जिसमें अच्छा अच्छा खाना बनेगा और ये सब करेगा। और ऑब्वियसली जब ऐसे प्रोग्राम्स बनते हैं तो जो घर की औरतें हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं खाना बनाने की, तो बस वही सब चल रहा है। मुझे खाना बनाना नहीं आता है, ऐसे तो आप देख चुके हैं पहले के एपिसोड में कि मैं खाना बनाना नहीं जानती, तो मुझे खाना बनाना सिखाया जा रहा है लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं है। तो मैंने थोड़ी सी अपनी चालाकी करके खाना मैंने दोनों भाभियों के ज़िम्मे डाल दिया, तो बेचारी बना रही है, मैं मज़े ले रही हूँ। क्या एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे कि देखा जाए तो यूपी साइड में देखा जी आटी चोखा या लिट्टी चोखा बनता है, तो क्या है? मैं एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे जो फादर हैं वो बनारस से बिलोंग करते हैं और हमारे वहाँ पे फार्म्स हैं, तो उस फार्म में हम लोगों ने काफ़ी लिट्टी चोखा और दाल बाटी जिसे बोलते खाया है। सो मैंने वो एक्सपीरियंस किया हुआ है और बहुत ही यमी लगता है। तो आई एम श्योर हम जो यहाँ पे, मैं तो नहीं पर भाभियाँ जो लिट्टी चोखा बनाएंगी वो भी उतनी ही यमी होंगी जितनी कि वहाँ पर मैंने खाई है। काफ़ी शातिर तरीके से श्रद्धा ने अपनी जेठानियों को मात दे दी है, इसके आगे क्या करेंगे श्रद्धा? अरे आगे क्या करेंगे वो तो देखने पे ही मालूम पड़ेगा ना, लेकिन हाँ ये है कि बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, बहुत सारी नोकझोंक और बहुत सारे कॉमेडी एंड यू नो बहुत सारे सीरियस सीन्स आपके आपके सामने लेकर आएंगे हम, और ये सब चलता रहेगा। एक घर में जैसे नोकझोंक होती है बस वही चलती रहेगी। थैंक यू। अक्षरा अक्षरा नहीं नहीं नैतिका, मुझे मेरा रास्ता खुद तलाश करने दीजिए। आप में से कोई मत आइए मेरे साथ, मैं खुद जाऊंगी। अक्षरा ढूंढते हुए जाना सीढ़ियाँ, ढूंढते हुए जाओ सीढ़ियाँ। ये हाथ के ऊपर डिस्टेंस कट। ओके पैर के अरे टर्न होते ही पैर फंसा धीरे, हाँ ये पैर पर रखना, पैर पर रखना, टकराओ एक बार टकराओ ठेस लगी थोड़ी सी, हाँ ऐसे भी कर सकते इस और उठाने जाए और उठी और गिरी अच्छा ना चले खड़े
चल बेटा
है।